वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाहा एकेडमी। इस वीडियो में पढ़ेंगे यूज ऑफ अनोदर, अदर, एनी अदर। ध्यान से सुनिएगा, यूज ऑफ अनोदर, अदर, एनी अदर, इन सभी का मतलब एक ही होता है, कोई दूसरी चीज। अनोदर, 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 अदर का भी कोई मतलब होता है और एनी अदर का भी वो ही मतलब होता है। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अनोदर यूज करें, अदर यूज करें या एनी अदर यूज करें। तो मैं आपको बता दूं कि अनोदर का यूज जो करते हैं वो सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। अनादर का यूज सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और अदर का यूज प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। अनादर का यूज सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, अदर का यूज प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। और एनी अदर का यूज जो हम करते हैं जनरली हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और एनी अदर का यूज हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। तो गाइस डिफरेंस समझ में आया आपको, मैं आपको बताता हूँ इसमें एक एग्जांपल, आप समझ जाएंगे। सर, ही हैज परचेस अनादर बुक। He has purchased another book. He आपका singular है, that's why we use another. He has purchased another book. He आपका singular था, that's why we are using है another. जैसे हम दूसरा करते हैं, She has visited other places. She has visited other places. She has visited other places. Places, बहुत सारे place आ रहे हैं, इसलिए इसमें क्या आ रहा है? Other आ रहा है। She has visited other places. इसमें बहुत सारे place आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपका other का use किया गया। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे ही हैज परचेज अनोदर बुक, तो बुक आपकी एक ही है। ही हैज परचेज अनोदर बुक, बुक आपकी क्या एक ही है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर अनोदर। और अगर यहाँ पे और मैं अगर इसमें करता कि ही हैज परचेज अदर बुक्स, अगर मैं बुक्स कह देता तो इसमें क्या जाता आपका अदर आ रहा है, अदर, अदर बुक्स, बुक और बुक आया, तो इसलिए अनदर आया समय में। अब आपका हम देखते हैं एनी अदर के लिए, जैसे आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस, आई हैवंट सीन, I have not seen any other places. मतलब आपने देखा कि haven't, not आ रहा, that's why we are using here any other. जैसे एक और sentence ले लेते हैं, they haven't visited any other places. They haven't visited any other places. तो आप यहाँ पे देखें haven't आ रहा, that's why we are using here any other. पहले sentence मैंने आपको place बताया, दूसरे sentence में places. तो चाहे singular हो या plural हो, आप any other use करेंगे negative sentence में। सो होप यू गाइस आपको अनादर, अदर और एनी अदर का यूज समझ में आया होगा। सो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।